वैसे यार जे जे जी, मियाँ बीवी का जिंदगी गुजारना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। बीवियां इतना तंग कर देती हैं, इतना जिद कर देती हैं ना कि बंदा तंग आके अपने बाल उखाड़े तक गंजा हो जाता है। अरे भाई, सब कसूर बीवियों का ही नहीं होता, जो खामंद है उनके भी बेशुमार नक्श है। उनमें भी खामंद जो होते हैं मासूम होते हैं, ये मासूम पार्टियां होती हैं। कभी तुमने देखा कि लड़के को कितना जवान होता है, ये कड़ियल किसी की बात नहीं सुनता, यूं करके पहिया उठा के जा रहा था मोटरसाइकिल का। जैसे ही शादी हो जाती है, बीवी की टेंशनों की वजह से पहले सेंटर आउट होता है, आदमी देख इधर रहा होता है, ध्यान इधर जा रहा होता है, फिर मोटरसाइकिल पे आ रहा होता है तो यहाँ पर एक तरबूज रखा के और साथ कितनी थैलियां फलों की रख के ऐसा ऐसा आ रहा होता बेचारा, उसको कख नजर नहीं आ रहा होता। ये बीवियों की वजह से होता है। तो क्या बीवियां मासूम बेचारी मासूम सी आती हैं माँ बाप के घर से रुखसत होकर, जैसे ही ससुराल में आती है सास का रफड़, ननन का रफड़, देवरों का रफड़, और आ जाके बेचारी दो बच्चों के बाद अजीब फाफा जी होकर फिर रही। बहादुर औरत होती है वो, तुम्हें इस बात का पता नहीं, बीवियां बहादुर होती हैं। देखो जब बारात जाती है 400 बंदा बारात लेके जाता है, ठीक है, वो बहादुर की बच्ची अकेली साथ आ जाती है वहां से। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं, पता होता कि मैंने इसका क्या हाल करना है। आदमी सोया हो उसको कहती सो रहे के जाग रहे हैं आप? नहीं जाग रहा हूँ। अच्छा तो जाग रहे तो मेरे साथ बात नहीं कर सकते? उधर मुंह करके लेटे हुए, मेरे तो नसीब फूट गए तुम्हारे से शादी करके, हर वक्त सोया रहता है, पता नहीं कौन सा नशा ही मेरे पले पड़ गया। दफा दूर, मैं तो अपने माँ बाप के घर पे खुश थी, तुम्हारे घर में जब से आई मेरे पास कुछ नहीं है। या तो मर्द क्या करते हैं, मर्द क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट मार रहे होते हैं और होटल में रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर खा रहे होते हैं, अचानक बीवी का फोन आ जाए तो फौरन कहते हैं कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो बीमार पड़ा हुआ है, ब्लड की जरूरत है। और बीवी पास से कहती है, कह रही मुझे पता है कि तुम बर्गर खा रहे हो साथ वाली टेबल पे, बच्चों को लेकर मैं बैठी हुई हूँ। तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा जिंदगी में जब तक टर्न नहीं होगी तो आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। हाँ बूढ़ा हो जाता है। ये जो मर्द होते हैं ना, ये जो लड़ाई हो रही थी नासर की, जी हाँ, किस बात पे हुई है तुम्हें पता है? किस बात पे? सिर्फ नासर ने ये कहा कि चलो वॉक के लिए चलते हैं। हाँ। तो कहती है कि नहीं आप चले जाओ, कहता ठीक है मैं अकेला चला जाता हूँ। अच्छा तुम समझो मैं बड़ी सुस्त हूँ, तुम समझो मैं चल नहीं सकती, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं बैठी रहती हूँ, कहता मैंने ये नहीं कहा। नहीं सोचा तो है ना तुमने, तीन शर्ट ले गई उसके लिए। कहती है जिस बात पे ज्यादा लड़ाई हुई है, लाल रंग की ले गई, पीले रंग के लिए और एक ग्रे कलर की लेकर आई। कहती इसमें से कौन सी पहनोगे? कहता ग्रे कलर पहन लेता हूं। कहती मुझे पता था तुम्हें दूसरे रंग तो पसंद ही नहीं आएंगे। और मर्द बड़े छुन्ने काके होते हैं, जैसा खोचल तो कोई होता ही नहीं। क्या मतलब? शो देखने के लिए जाते हैं, म्यूजिकल शो, वहां पे फूल फेंके जाते हैं, खुद फेंकते हैं, वो फेंकती हैं, सारा एंजॉय करने के बाद इतने फूल लेके घर वापस आते हैं। बीवी बेचारी पूछती है सरताज इतनी देर कहाँ आपने लगा दी? मैं दरबार पे गया हुआ था, देख नहीं रही मेरे हाथ में फूल? बाबा जी के फूल लेकर आ गया। हाँ बाबा जी, ये शक भी बहुत करती है, शक की वजह से घर खराब होता है, शक पे शक करती है, बंदा सच भी बता दे फिर शक करती है। फोन करती है, हेलो कहाँ हो? जी मैं दोस्तों के पास हूँ। कौन से दोस्तों के पास हैं इस वक्त? कौन से दोस्त होते हैं? फिर दोबारा फोन किया, कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ। चलो बात करो अपने बॉस से। अब बंदा बॉस से बात करो, फिर फोन करती, कहाँ हो? मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ बस, घर आ रहा हूँ, किसी कांस्टेबल से बात करवाओ मेरी। लेकिन जे जे मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। मर्द जो है ये चालाक है, बीवी मासूम है। नहीं 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 नहीं, मर्द बेचारा मासूम होता है। बीवी का आप किसी भी जुबान में तर्जमा करवा के देख लो, चाहे अरबी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे डच जुबान हो, चाहे पश्तो, किसी भी जुबान में भी बीवी का तर्जमा करा के देखो, टेंशन निकलेगा। चलो ठीक है, आप कहते हैं जो कहते हैं मान लिया, इसका फैसला तीसरा बंदा करेगा। रेशम जी से पूछ ली तो आई नहीं अभी तक। अरे अगर रेशम तैयार हो रही होगी, इससे पहले रेशम आ जाए। हाँ। हम भी चेंज होकर जाते हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर लें। आओ चेंज कर। मेल साहब, जिंदगी में पैसे की कितनी अहमियत है? हर वक्त आपको इसी का पड़ा रहता है, ये कितने का लिया, वो कितने का लिया। वो आपके लिए पूछता हूँ, वो लोग जिनको दो चीज़ों से बहुत दिलचस्पी होती है, स्कैंडल से और पैसे से, उनकी उनको मुतमिन करने के लिए यह सवाल शामिल करने पूछेंगे मुझसे मेरी और आपकी रफाकतों का जवाब क्या है, वो जिसको सुनते हैं आप हर दम, वो मेरे दिल की, वो मेरी रूह की आवाज क्या है, वो जिस पे बजता है नगमा पे हम, वो सोच क्या है, वो साज क्या है।
मैं कह दूंगी सिर्फ मोहब्बत। खींच लाई है आपकी मोहब्बत मुझे आपके हुजूर। बहुत अच्छा लगेगा दिल का दोबारा मुब्तला होना, मोहब्बत मोहब्बत आशना होना, मुझे भी और आपको भी। फलां का शौहर कौन होगा, फलां की तलाक कब होगी, खटपल मारने का घरेलू टोटका क्या है, रंग गोरा करने के लिए किस काले को मुंह पर मले, बाल काले करने के लिए किस खजाब को मले, करेले के खीर की तरकीब क्या है, भिंडी के पकौड़े कैसे बनाए, बच्चों को क्या खिलाए, आज क्या पकाए और मियां को कैसे रुलाए, व्हाट्स टाइट व्हाट्स राइट, हू इज हॉट हू इज नॉट। आई एम सॉरी, अगर आप लोगों ने यही सब देखना है ना तो कोई और शो जाकर देखे, मेरा शो नहीं। और अगर रोना रोना है दुखते हुए मसाइल का, घटते हुए वसाइल का और औरतों के रसाइल का, तो आई एम सॉरी वंस अगेन। और अगर सुनना है शान 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 यानी करप्शन, कंसिलिएशन, री एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, ऑपोजिशन, कोअलिशन, डिक्टेशन, तो मुझे माफ कीजिए, ये सब सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, जमीर मर चुके हैं, हम लोग बेहिस हो चुके हैं, नतीजा सिफर। मेरे यहां बातें होंगी दिल की, कुछ दिल ने सुना कुछ दिल ने कहा, कुछ तुमने सुना कुछ नहीं, ऐसी ही बातें होती हैं और ऐसी ही बातें होंगी। मेरे आने से ये महफिल रंगीन तो हो गई है, लेकिन इसे संगीन मेरे बीजीज बनाएंगे यानी मेरे बॉडीगार्ड्स। सो कम इन बॉयज, देखे जमाना नाजुक है, दौर भी नाजुक है और मैं सिंफ नाजुक। मेरे बॉडीगार्ड्स की मजबूती इस नाजुकी को देगी ताकत भी और सहारा भी। यहां तो हुकूमतों को सहारे चाहिए होते हैं, गिरते हुए संभलने के लिए बेसाखियां चाहिए होती हैं, तो मुझे क्यों नहीं। मेरे यहां रौनक मेरे मेहमानों के आने से आएगी। जो मेरी पहली मेहमान है वो मेरी बहुत अजीज दोस्त, जिससे मेरी बरसों की शनासाई है, शी इज अ कंप्लीट पैकेज, बेहतरीन होस्ट, रैम मॉडल, प्रिंट मॉडल, उम्दा आर्टिस्ट, पेंटर, फैशन डिजाइनर, बिजनेस वुमन और न जाने क्या क्या। मेरे यहां आ रही हैं इफ़त उमर। मैं बुलाना चाहूंगी अपने दूसरे मेहमान को, ये एक मखसूस लहजा रखते हैं, इनका कलम कारदार और इनके सवालात बहुत चुभते हुए। आइए आपसे मुलाकात करवाती हूं सुहेल वड़ाइज की। साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि लोग तो लोगों के साथ शामें गुजारते हैं और आप सारा दिन, सबसे अच्छा दिन आपका किसके साथ गुजरा? वैसे तो सारे शो ही बच्चों की तरह होते हैं और हर शो से, हर गेस्ट से मैं तो कोशिश करता हूँ उसको इतनी इज्जत दी जाए, उसकी ज़िंदगी के तमाम शोबे सामने लाए जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे जो प्रोग्राम सबसे अपना अच्छा लगा वो खान अब्दुल वली खान का के साथ शो था। उसमें क्या खासियत थी? एक तो यह है कि उन्होंने उस ज़माने में इंटरव्यूज़ देने बंद किए हुए थे और उन्होंने उस इंटरव्यू में ख़ुद ये कहा कि आज तक मुझसे किसी ने ना ये बातें पूछी हैं और ना मैंने आज तक किसी को ये बातें बताई हैं जो आज आपको बता रहा हूँ।
तो मैं बड़ा उस पर हैरान हूँ। आपकी ये क्वालिटी जो है तो आप कुछ भी पूछ लेते हैं और बिना झिझक पूछ लेते हैं। माशाल्लाह ऐसा लहजा होता है कि किसी को बुरा भी नहीं लगता। हेल साहब, जिंदगी में पैसे की कितनी अहमियत है? हर वक्त आपको इसी का पड़ा रहता है, ये कितने का लिया, वो कितने का लिया। वो आपके लिए पूछता हूँ। वो लोग जिनको दो चीज़ों से बहुत दिलचस्पी होती है, स्कैंडल से और पैसे से, उनको मुतमिन करने के लिए यह सवाल शामिल करना। पैसे से दिलचस्पी तो मेरी तभी ख़त्म हो गई थी जब शेख साहब ख़त्म हुए थे। बड़ा साहब, एक चीज़ मैंने आपके प्रोग्राम में देखी है कि आप जहाँ भी जाते हैं कम अज़ कम 3 बार आप खाना खाते हैं। खाना जो होता है ना, किसी शख्स की पर्सनैलिटी का इजहार होता है। वो भी टेबल मैनर्स क्या हैं, खाना किस तरह लगाया गया है, किस इलाके के कौन से खाने हैं, ये सारा कुछ भी उस शख्सियत का। हर शख्स 2-3 दफ़ा रोज़ खाना खाता है। अगर उसकी शख्सियत से खाना निकाल दिया जाए तो शायद वो रेशम ना रहे, कोई और ही बन जाए। तो इसलिए वो भी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि जो खाने बलूचिस्तान या सिंध के अंदरून में हैं, उनमें बहुत नेचुरल भी हैं और वो ज़्यादा लजीज लगे मुझे। अच्छा इफ़त, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप उमर भाई को क्या शौक से पका के खिलाती हैं? तो क्या मर्द का जो वो दिल का रास्ता है वो पेट से जाता है कि नहीं? अल्लाह मियाँ को शायद मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है कि मेरा मियाँ इतना हेल्थ कॉन्शियस है कि वो उबली हुई सब्जियाँ, उबला हुआ गोश्त, ये ज़्यादा शौक से खाते हैं। कोई मुझे तरद्दुद नहीं करना पड़ता और कोई नखरा नहीं है उमर का खाने में। जो सामने रख दो ना, अच्छे बच्चों की तरह खा लेते हैं, लेकिन ज़रा हेल्थ कॉन्शियस है, सो डाइट फूड। अच्छा बड़े साहब, आपने कभी इफ़त के साथ दिन गुजारा? नहीं, इफ़त के साथ दिन नहीं गुजारा, लेकिन शायद इफ़त को नहीं पता, मैं इफ़त को बहुत बचपन से जानता हूँ। और क्योंकि मैं भी लिबर्टी रहता था और ये भी लिबर्टी रहते थे, तो ये स्कूल आती जाती थी, इनकी वालदा को भी जानता हूँ। तो बड़ी मेहनत करके इन्होंने ये मकाम हासिल किया और ये बहुत अभी छोटी थी उस वक्त से ये काम कर रही हैं। और मैंने देखा कि ये ग्रेस जो इनमें आज है, ये उस वक्त भी थी। And she has maintained that grace. As grace ko khoob maintain kiya. Thank you so much. आपने इनकी वालदा जो है, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट थी, तो ये इनकी वालदा को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इफ़त को बहुत मोहब्बत से, बहुत इश्क से और बहुत नाजों से पाला। आपने मेरे साथ दिन नहीं गुजारा, पर ये जो आपने थोड़ी सी बात मेरे लिए कह दी है ना, ये बहुत सब पे भारी है। थैंक यू सो मच। अगर इनका सूट सीने के लिए आपको कहा जाए, इनके लिए तो सेट डिजाइनिंग की करनी पड़ेगी। उन्होंने सही बोला है, ये सेट डिजाइनिंग का काम है। तो हर चीज ये सेट नहीं है, अब सेट है। बाजार में दिया छुरिया, इश्क के दिया छोटा गुलिया, एक बुन मोती ये दमार के जगा सोनिए। साहब, आपने बहुत बहुत सारे प्रोग्राम्स, आपने बहुत सारी मशहूर हमारी अदाकाराओं के साथ किए, तो सबसे अच्छा दिन किसके साथ गुजारा? मेरा ख्याल है जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में नेगेटिव बात ज़्यादा की जाती है, लेकिन मैं ये कहूँ कि मुझे ये नेगेटिव बात अच्छी नहीं लगती। हम बड़े वर्स्ट हालात में हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने अपने आप को मेनटेन रखा है, क्या बात, और बड़ी मेहनत से। सबसे ज़्यादा मजाक मीरा का उड़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जितनी वो मेहनत करती है, जितनी वो फोकस्ड है, नहीं आप मतलब फोकस्ड है, मतलब मजाक उड़वाने में, मजाक बनवाने में, किस चीज़? देखें, ये तो अब पाकिस्तान में कौन सी फिल्में बनती हैं इन रहने के लिए। बड़ा साहब, मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी इफ़त से भी मैं ये पूछूंगी, कोई भी एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस साहब कहलवाती है जब वो एक्टिंग करे, ठीक है? अगर आज फिल्म का मीडियम नहीं है तो मैं टेलीविजन के मीडियम पे काम कर रही हूँ, मैं शो कंडक्ट कर रही हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ, ये मॉडलिंग करती हूँ, ये टीवी पे बेहतरीन उम्दा काम कर रही है इस वक्त काम की, तो कहीं भी अगर एक दर बंद हो जाता है, दूसरा दर आपके लिए खुल जाता है। नहीं, बात ये नहीं हो रही, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, हम हर एक का मजाक ही उड़ाते रहते हैं, इसको भी थोड़ा चेंज करना। आई टोटली एग्री। और सिर्फ ये सिर्फ इसलिए कि तोहीन करनी है, सिर्फ इसलिए कि किसी को नीचे करके आपने उससे मजा लेना है, ये कोई तरीका नहीं। नहीं, बात तो सही है कि तज़हीक नहीं होनी चाहिए,
मजा होना चाहिए किसी लेकिन हम हर चीज में हर शोबे में चाहे ये आप शोबिज ले लें आप पॉलिटिक्स ले लें हम बुराई ही देखते हैं हम अच्छाई का कोई पहलू नहीं देखना हाँ। चाहते वी आर बिकमिंग अ वेरी नेगेटिव एक ही नजर रखी हुई है हम उसको चेंज नहीं करते और जहां तक मीरा की बात हो रही है मीरा इज अ ब्रांड नाउ शी हैज टू सेल हरसेल्फ वो चाहे इस तरह करे चाहे इस तरह करे और वो आके गलत इंग्लिश भी बोलती है तो मुझे तो हंसी आती है मुझे बुरा तो नहीं लगता दूसरों को बात करने की क्या जरूरत शी इज अ ब्रांड लेट हर सेल हरसेल्फ इफ तुम माशाल्लाह इतनी सारी चीजें कर रही हो पेंटर भी हो एक्टिंग भी करती हो और कमाल करती हो अगर तुम्हें चॉइस दी जाए तो तुम खुद क्या एक चीज क्या करना पसंद करोगी मतलब क्या क्रिकेट खेलना चाहेंगी या हॉकी खेलना ऑफ कैमरा बताना चाहेंगी नहीं बिल्कुल ऑफ कैमरा नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं सच बोलती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अब कुछ और पढ़ना चाहती हूँ मैं सही जो बात कह रही हूँ मैं आगे कुछ पढ़ना चाहती हूँ अगर आपने कुछ पढ़ना तो ये खुली किताब है वो डायरी वाले को भेजना ऐसी किताबें मैंने बहुत पढ़ ली इनके पेज जाया होंगे सर जिल्द रह गई इनके बारे में मैं अलग से बे तक बता से तब एंड तक बता सकती हूँ ये नहीं बता सकती क्वालिटी भी है देख लो चुन्नी बेगम उनके अंदर ये क्वालिटी भी है अरे जाने दे आप कहाँ हम कहाँ आप अरे यहाँ आप वहाँ माशाल्लाह आप तो जहाँ बैठती हैं फूल निछावर होते हैं जहाँ बैठती हैं तो जमीन ही बैठ जाती है अल्लाह नहीं, नहीं, इनके हाँ भी फूल निशावर होते हैं कंट्रोल कर लो अपने मास्टरमाइंड को कंट्रोल क्यों कर लो भाई मैं उनका सर्किट हो जाएगा छोटी सी बिल्ली उनकी मुझे कंट्रोल कर ले चुनी आंटी खबरदार मेरे मास्टरमाइंड को आपने कुछ कहा तो वाह अच्छा बड़ा सुन आपसे ये बताऊंगी कि आप एक तजर्बाकार और मतलब तजर्बाकार सहाफ़ी भी हैं तज्जियाकार भी हैं इन पंद्रह बरसों में सहाफ़ियों ने हमारे सियासतदानों को मतलब उनका क्या कहते हैं उनकी करप्शन का उनकी नालायकियों का तज्जिया किया क्या उससे सियासत जो है बेहतर हुई करप्शन में कोई कमी आई पहली तो बात यह है कि सहाफ़ियों का काम ही दुनिया भर में जब ये नेशन स्टेट बनाई गई डेमोक्रेटिक स्टेट बनाई गई तो हर एक का रोल मुतय्यन किया गया जुडिशरी का क्या रोल है पॉलिटिशियन का क्या रोल है प्रेस का क्या रोल है प्रेस इज ए वॉच डॉग तो हमारा काम है कि लोगों की जो हुकूमत में लोग आते हैं उनके ऊपर नज़र रखना और आवाम को आगाह करना क्योंकि हम आवाम के कस्टोडियन हैं ताकि जो लोग गवर्नेंस करते हैं उनकी गवर्नेंस में जो खामी हो उसको सामने लाएं हाँ इससे अवेयरनेस पैदा हुई आज पाकिस्तान का हर शख्स इस बात पे अवेयर है कि पाकिस्तान के हालात को ठीक करना है ये पहले अवेयरनेस मौजूद नहीं थी पाकिस्तान में पहले हर कोई अपने हाल में मस्त था किसी को परवाह नहीं थी कि पाकिस्तान का क्या बनेगा आज हर शख्स वरिड है कि हमें कुछ करना होगा पाकिस्तान को ठीक करने के लिए तो मेरा ख्याल है ये रोल तो अदा किया है संजीदगी जो है वो खबर से ना ख़त्म होती जा रही है क्योंकि खबरें आजकल इस अंदाज में पढ़ी जा रही हैं कि जैसे कोई डायलॉग्स बोल रहा हो कोई फिल्मी मुकालमे बोल रहा हो आपको क्या लगता है देखिए मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह मेरी एक्टिंग के ऊपर तनकीद एक आउटसाइडर की तनकीद है और शायद वो इतनी उसमें इतनी डेप्थ ना हो इसी तरह न्यूज़ को किस तरह से पढ़ना है किस तरह से प्रेजेंट करना है इसमें सब लोग बहुत पढ़ाई करके बहुत उसमें मास्टर्स करके सारे सामने आते हैं मैं आपको बताऊं कि ये जो आज तक दुनिया की बेस्ट स्पीचेस हुई हैं मसलन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपनी नबूवत का ऐलान किया तो वो एक पहाड़ के ऊपर चले और उन्होंने कहा कि अगर मैं आज ये कहूँ कि मेरे पीछे एक लश्कर जरार खड़ा हुआ है तो क्या आप मानेंगे अब देखें अंदाज गुफ्तगू का जब खुतबा हज्जतुल वदा दिया तो हर चीज़ को तीन दफ़ा दोहराया तकल्लुम का अंदाज है इससे इंसानों ने सीखा कि अपनी बात को कन्वे करने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं ठीक है जब दुनिया में दुनिया की बेस्ट स्पीचेस हुई हैं तो हर एक ने एक नया अंदाज अपनाया है जिससे लोगों ने सीखा तो हम भी सब लोग तालिब इल्म हैं सीखते हैं गलतियाँ ज़्यादा होती हैं फिर गलतियों से फिर इसलाह होती है कोई भी यहाँ मुकम्मल आदमी नहीं है हम सब सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं अच्छा सुनील साहब मुझे एक बात बताइए कि जब आप सवाल करते हैं आपने सारे पहले से रेडी किए होते हैं लिखे होते हैं या कभी अचानक भी होता है जैसे कॉमेडी कुछ भी मुंह से निकल जाए नहीं आप जैसे तो काबिल हम नहीं हैं हमने बहुत सारी पहले तैयारी की होती है
लेकिन कुछ आप जैसे लोगों से, कुछ आप जैसे लोगों से भी सीखते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, अचानक किसी के हीरे पे नजर चली गई, ये कितने गल गए, फिर वो छोड़ते नहीं है। मैं कहते फिर इनकी तनकीद शुरू हो जाती कि ये चीज कितने की, फला चीज कितने की। मेरी बेबी को बहुत तंग किया था जब आप पिछली दफा आए थे। अच्छा भाई साहब, ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह सेहत से लगता है कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में हर वो चीज जो मोटा करती है, जो मोटा करती है। हर मजेदार चीज, चाहे वो पराठे हो, पुलाव हो, गोश्त हो, खाना नहीं खाते। अब फिर इतने हर वक्त कंट्रोल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि अब चलने फिरने से बड़ा तकलीफ देगा। यानी कि आपको फूलने वाली चीजें फूली फूली आंटी तल के दई है तनु अगर आंटी। अच्छा फिर ये बताओ कि आज मेरे शो पे किसी एक हस्ती का शुक्र अदा करना चाहो, उसके एहसानात के लिए, जिस मतलब एक ऐसी हस्ती जिसने तुम्हें उम्र इफ्फत उम्र बनाने में इसका बहुत एक अहम, ऑफ कोर्स माय मदर जिन्होंने अहम किरदार अदा किया। अम्मी, मेरी माँ के, मेरी अम्मी से मेरी लगती भी बहुत है, हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती है क्योंकि हम दोस्तों की तरह हैं, क्योंकि मैंने कोई और रिश्ता ही नहीं देखा सिवाय अपनी माँ के, जो खूनी रिश्ता है, फिर मेरी बेटी है माशाल्लाह, और बाकी सारी बातें अपनी जगह। लेकिन जैसे कि अभी इन्होंने जिस ग्रेस का बात की और मेरे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने मुझे सारी ज़िंदगी बचाए रखा, और एक लाइन जो मुझे पता था उसकी हद मैंने नहीं पार करनी, इस सब का जो है क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। तो क्या खून के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं या दर्द के रिश्ते? डिपेंड इस पे करता है कि किसने आपकी जिंदगी में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ज्यादातर तो खून के रिश्ते कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन कभी कभी, ये सबके साथ नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई लोग खून के रिश्तों से बढ़ के भी आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। अच्छा आंटी, आप बताइए, आपको खून के रिश्ते अच्छे लगते हैं या दर्द के रिश्ते? मैंने तो जिससे रिश्ता तोड़ा उसको दर्द ही दिया। माफ कर, पैर से पैर बोलना चाहिए ना इफ़त में, किसी रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करना। नहीं, आप क्या पाँव पे पाँव रख देती हैं, दर्द क्यों होता है? रिश्ता तोड़ते हुए चपेड़ मारती है, क्या करती है? अच्छा फिर मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह मैं तुम्हारा काम देखती हूँ तो तुम्हारे काम में बहुत मैच्योरिटी आ गई है, एक बहुत निखार, मेरे में बहुत मैच्योरिटी आ गई है, काम में बहुत, तुम्हारी एक्टिंग में बहुत निखार आ गया है, कॉमेडी बहुत अच्छी करती है फिर। हाँ, कॉमेडी का मतलब अभी कॉमेडी तो आप लोगों के साथ काम करके के सीखी, आप हैं, सबा हैं, वसीम भाई हैं, मतलब क्या टाइम निखार, ये मैच्योरिटी जो है, क्या जमाना था, क्या जमाना है फिर, ये निखार, ये जो मैच्योरिटी है ये मुशाहदे से आई, ये किसी तरबियत से आई, कैसे? मुशाहदे से। और सबसे पहली बात ये होती है कि आपको अपना क्रिटिक खुद होना चाहिए। आप एक चीज़ देखते हो, आप जो लोगों में बुराइयाँ निकालते हो बड़ी आसानी से निकाले, तो ये कैसा बोल रही है, कैसा बोल रही है, अपने काम को बहुत क्रिटिकली देखते हो। हिम्मत होनी चाहिए अपनी बुराई ढूंढने की। वैसे कीड़े निकालना तो बड़ा आसान काम, दूसरों में निकालने में तो बड़ा मजा भी आता है, यूं आप निकाल लेते हैं, लेकिन मैं बहुत दफा अपना काम देख के भी बहुत शर्मिंदा होती हूँ, और वही टाइम होता है मेरे लिए सीखने का। असल में शर्म वही आती है जब आप अपना काम देखते हो, फिर आपको पता चलता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये काम हिम्मत से कर लो तो फिर दैट्स योर बेस्ट टीचर। अच्छा ये पता, माशाल्लाह एक उम्र दे सेट डिजाइनर है, अगर इनका सूट सीने के लिए आपको कहा जाए, ड्रेस डिजाइनर है, ड्रेस डिजाइनर, इनके लिए तो सेट डिजाइनिंग की करनी पड़ेगी, उन्होंने सही बोला है, ये सेट डिजाइनिंग का काम है। तो हर चीज सेट नहीं, अब सेट है। सुहेल साहब, आपको कौन सी अदाकारा पसंद है? हाय आंटी चुननी, पहले पूछ ले अदाकारी के हवाले से पूछ रही है या पर्सनली पूछ रही है? सुहेल साहब शरीफ आदमी है। सुहेल साहब चुप करके, आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है? भाई अभी इन्होंने कहा कि रेटिंग का बड़ी झगड़ा है टीवी चैनल्स पे, तो इसी तरह नंबर वन का बड़ा झगड़ा है। हाँ। बड़ा डर लगता है। आप मेरे पास आ जाइए, सबसे बचा लूं। इंसान की कोई एक फेवरेट तो होती है ना, कि फलां का काम आपको अच्छा लगता है। सच्ची बात यह है कि मैंने तो पाकिस्तानी फिल्में बहुत कम देखी है। नहीं, अदाकारी सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, एक सीरीज में भी होती है, इंटरव्यू भी होते हैं। इंटरव्यूज तो तमाम एक्ट्रेसेस के किए, तो उनका काम ही नहीं देखा? नहीं तो पहले उनका कैसे हो सकता? नहीं, पर्टिकुलर काम तो देखा। अच्छा चलिए ये बता, कभी भी इंटरव्यू जाने से पहले तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम देख के जाते हैं। आपसे भी जब इंटरव्यू किया तो आपकी फिल्मों का, आपकी सारे हवालों से बात की, तब जाके। लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि फेवरेट कौन है आपके इंटरव्यू में। फेवरेट कोई ऐसा सच है नहीं, अगर बहुत स्पेसिफिक भी आप पूछें, नंबरिंग कर सकते हैं कि
कि भाई नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, लेकिन कोई फेवरेट्स नहीं है इनमें। वो मोहब्बत मिली आपको? नहीं नहीं, वो तभी तभी इनकी आवाज वो क्रश ही था। ये जिसको हो जाना दिल उसका खो जाना, ये जिसको हो जाना दिल उसका खो जाना, चैन फिर उसे नाना रे, इश्क मर जाना रे, इश्क मर जाना। अच्छा, मैंने आपके तमाम प्रोग्राम्स देखे, कुछ एक्ट्रेसेस पे आपने बड़ी तनकीद की और कुछ एक्ट्रेसेस पे आपने अपना बहुत हल्का हाथ रखा, इसकी क्या वजह थी? वो तो मेरा ख्याल है कौन कितना हाथ रखने देता है ये देखना पड़ता है, लड़ाई नहीं करनी होती। कभी किसी का इंटरव्यू करते हुए मतलब उसके दौरान कभी आपको गुस्सा आया कभी? नहीं, गुस्सा तो खैर मुझे बड़ा काम आता है। नहीं, उनको आता है बहुत। ये आपने क्या पूछ लिया सुहेल साहब अचानक? हाँ, तायरा सैयद साहिबा से दो तीन सवालों पे ऊपर नीचे हुआ, ठीक है। और चूंकि हमारी जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, ये जो बड़े सारे आप लोगों के नाम हैं, आप लोग बहुत एकोमोडेटिंग हैं, आप बात सुनते हैं, आप बात का जवाब भी देते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है। इस तरह से तुनक मिजाज कोई भी नहीं है जिसको कहना चाहिए। अच्छा, आपके इतने चुभते हुए सवाल होते हैं तो। अच्छा, वैसे मुझे कभी नहीं आपका कोई, मैंने जितने प्रोग्राम्स देखे उसमें कभी कुछ चुपता मैं करता भी नहीं हूं, वैसे ही लगता है। ये बड़े प्यार से कहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास इतना सारा पैसा कहां से आया? पूछने का अंदाज इनका इतना अच्छा और मीठा है कि नहीं लगता कि वो फील ही नहीं होता। अब मैं अपने एक ऐसे दोस्त को बुला रही हूँ जिसके आने से ये कमी भी पूरी हो जाएगी, जो खुशरू है, खुशगुलू है। आइए मिलते हैं अली अब्बास से। सुन हुस्न दिए सरकारे, सुन हुस्न दिए सरकारे, नहीं रुस दे सजण प्यारे, एक फुल मोती ए दमार के जगा सोनी, एक फुल मोती ए दमार के जगा सोनी। सुन हुस्न दिए सरकारे, नहीं रुस दे सजण प्यारे, एक फुल मोती ए दमार के जगा सोनी, एक फुल मोती ए दमार के जगा सोनी। आए मंडिया चौठ माया, जिमें दिल है लुटवाया, सद के गले दिए हसीए, जावा सद के गले दिए हसीए, चुकी पारल कठिया वसीए, एक फुल मोती है दमार के जगा सोनिए, एक फुल मोती है दमार के जगा सोनिए, सद के गले दिए हसीए, चुकी पारल कठिया वसीए, एक फुल मोती है दमार के जगा सोनी, एक फुल मोती है दमार के जगा सोनी। बाजार वकेंदियां छुरियां, बाजार वकेंदियां छुरियां, इश्के दियां छोटा बुरियां, एक फुल मोती है दमार के जगा सोनी, एक फुल मोती है दमार के जगा सोनी। बाजार वकेंदियां छुरियां, इश्के दियां छोटा बुरियां, एक फुल मोती है दमार के जगा सोनी, एक फुल मो
होती है दमार के जगा सोनिए। वे एक फुल मोती है दा मार के जगा सोनी है। हमारे जो सिंगर्स हैं बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जो रूह से गाते हैं। अली अब्बास उन चंद सिंगर्स में से आते हैं। अली, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह खुश शक्ल हैं, स्मार्ट हैं, फिल्मों के लिए बहुत अच्छे गाने गाते हैं, लेकिन फिल्मों में काम क्यों नहीं करते आप? जी आप करें, मैं इंशाल्लाह करता हूं। ऑफर पे ऑफर। सुनो, ऑर्डर वाइज चलते हैं, वहां पर सीधा कोई ऐसे भेद भी होती है। हम बैठे हैं पहले और आपको भी लेके चलेंगे। हम क्या, आप 6-7 हैं? माशाल्लाह 6-7, ये 8-9 हैं। इस तरह बात करते हैं आप, जब बड़े होंगे आपको पता लग जाएगा। अच्छा बड़े 70। चुन्नी आंटी इस वक्त जो है वो पोजेसिव हो रही है। क्या बात है जी। नहीं, मुझे हुई थी ऑफर मैडम संगीता जी की तरफ से। होप सो कुछ है लाइनअप, कुछ चीजें हैं इंशाल्लाह। नहीं, फ्यूचर में करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कुछ है प्लानिंग, कुछ इस तरह। और साथ गायकी को भी उनका मतलब है, पहले फिल्म बने फिर उसके बाद मिलूंगा। कुछ गायकी का तो वो चल ही रहा है सी, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं तो इस तरह काफी लोग कहते भी हैं कि आप क्यों नहीं करते। आपकी आवाज में बड़ा एक रोमांस और एक दर्द भी है, बड़ा खूबसूरती से गाते हैं। खासतौर पे मेहदी हसन खान साहब के गाने हैं, बहुत शौक से गाते हैं और बड़ा रोमांस से गाते हैं। मेरे आइडियल पर्सनैलिटी है। मैं जब म्यूज़िक में मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बहुत उनको ही सुना। वो एक मतलब 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे को नहीं पता गुंचा शौक क्या होता है। तो मैंने जब उनको उनकी गज़लें सुनी तो वो मेरे इधर उनके सुर जो वो टच करते थे, तो मुझे नहीं पता था कि इनकी लिरिक्स के क्या मतलब है। कहीं दिल तो नहीं लगा बैठे? आपको पता है आर्टिस्ट तो थोड़ा सा इस तरह का उसकी अक्सर होता है ना कि आप किसी से मोहब्बत करें, वो मोहब्बत आपको ना मिले। आई थिंक मुझे क्रश हुआ था 2000 कह रहा हूँ, 15 साल की उम्र। अच्छा, फर्स्ट क्रश तो शायद। अच्छा, मोहब्बत मिली आपको? नहीं, तभी इनकी आवाज वो क्रश ही था जो क्रश हो गया। सुहेल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह बेशुमार किताबें लिखी हैं और बड़ी अच्छी लिखी हैं, आपकी बेस्ट सेलर कौन सी होगी? अब तक 6 किताबें आ चुकी हैं, उसमें गद्दार कौन जो थी, जिसका के हिंदी में, इंग्लिश में और सिंधी में 3 ट्रांसलेशन उसकी हो चुकी हैं माशाल्लाह। और इफ़त, आपसे ये पूछूंगी कि आपकी माशाल्लाह से एक बेटी है, आप उसे क्या बनाना चाहेंगे? अच्छा इंसान? नहीं, वो तो आप हैं, और माशाल्लाह से जाहिर है जो माँ अपनी बेटी की तरबियत करती है तो वो माँ की जो सारी अच्छाइयाँ होती हैं वो बेटी में नज़र आती हैं, क्योंकि जब आप अपनी बच्ची का ब्रॉटअप करते हैं तो माँ की यही कोशिश होती है कि मैं ऐसे बहुत अच्छा इंसान बनाऊँ, उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ। हिंदुस्तान में जितने भी हमारे पुराने एक्टर्स हैं, श्रीदेवी है, कुछ और एक्टर्स हैं, वो तमाम जो उनके बच्चे हैं वो नस्ल दर नस्ल जो हैं वो काम कर रहे हैं शोबिज़ में। माशाल्लाह आपने शोबिज़ में काम किया, मॉडलिंग की, एक्टिंग की, तो आप का है कहीं कि अगर आपकी नहीं, आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग फॉर हर। मेरा दिल करता है वो डॉक्टर बने, और माशाल्लाह लाइक भी बहुत है, टॉपर है क्लास में, टर जरूर लगे साथ। हाँ, टर तो बाकी जो उसके नसीब। अगर वो मॉडलिंग करना चाहे, एक्टिंग करना चाहे तो आप इजाज़त दे देंगे इससे? देखो, जब मेरा केस था उसमें तो मैं सिंगल पेरेंट के साथ थी, जिसमें मेरी माँ की तरफ से था, उसका माशाल्लाह बाप भी है, तो इसमें खाली मेरा डिसीजन नहीं चलेगा, जाहिर बाप से भी इजाजत लेनी पड़ेगी, तो आई डोंट थिंक सो ही लेट। बहरहाल ये अच्छी दुआ है कि अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान, जब अच्छा इंसान बन जाएगा, अच्छा एक्टर वही होता है जो अच्छा इंसान होता है हर शोबे में। जी, अच्छा इंसान अपने हर शोबे में कामयाब होगा, अल्लाह उसको कामयाबियां खुशियां दे। बाकी मैंने कुछ ऐसा उसके लिए प्लान नहीं किया। दिल उसका खो जाना, ये जिसको हो जाना, दिल उसका खो जाना, ये जिसको हो जाना, दिल उसका खो जाना, चैन फिर उसे नाना रे, इश्क मर जाना 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 रे।
या चुराए सारे रहना जगाए रे मिले बस बेकरारियां या चुराए सारे रहना जगाए रे मिले बस बेकरारियां जाना चुन चुन के दिल खाना लुट फुट के टुर जाना दर्द का है आस ताना रे इश्क मर जाना 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 रे इश्क मर तो मदाकार ना होते तो फिर क्या होते मेरा बचपन से ये ख्वाहिश थी कि काश मैं रेशम का कीड़ा होता किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना रख दिया कदमों में दिल नजराना वहाँ पे आंटी थी उन्होंने मुझे देखा कि बेटी आप सोफे पर जाए बार बार कहता होगा पानी तो ले आओ आपकी बीवी को आप बतौर शोहर पसंद हैं या अदाकार पसंद मेरी अदाकारी को पकड़ ले रख दिया कदमों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कैमरे से पहले बहुत अदाकारी करते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे के पीछे और आगे हमेशा करते रहते हैं बनाते रहे हो हमें जिंदगी भर मगर बनाने की कोशिश न करना